वाराणसी में पीएम मोदी की लगी पाठशाला, यूपी चुनाव पर किया गया मंथन, संगठन को मजबूत करने पर भी हुई चर्चा। उत्तराखंड में चारधाम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, बढ़ाई जा सकेगी हाईवे की चौड़ाई, रक्षा मंत्रालय की तरफ से कई गई थी गुजारिश। कोरोना पॉजिटिव पर बीएमसी का एक्शन, सील किए गए करीना और अमृता के घर, करीना के घर के बाहर लगाया गया नोटिस। चित्रकूट में 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन, 16 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में आज प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में टीएमसी से डोला सेन भी शामिल हुई। राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आते हैं, ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। विपक्षी सांसदों के निलंबन को 14 दिन हो गए हैं। जिन मुद्दों पर सदन में विपक्ष बहस करना चाहती है उन पर हमें बहस नहीं करने दी जाती। जो विपक्षी सदस्य आवाज उठाने की कोशिश करता है उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो एक बार फिर से केंद्र सरकार पर राहुल गांधी हमला बोलते हुए नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते, विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है सरकार उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करने देती। चारधाम के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र के 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग को मानते हुए निर्माण की अनुमति दी है। उससे चारधाम प्रोजेक्ट के तहत 3 सामरिक राजमार्गों को डबल लेन करने को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर गुजारिश की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। ये हाईवे रक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, इससे चीनी सीमा तक पहुंचने में भी सेना को आसानी होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई है जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस के सिकरी करेंगे। परियोजना में पर्यावरण के हित को ध्यान में रखकर काम हो, समिति इसका ध्यान रखेगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को परियोजना के एक हिस्से में रूप में 10 मीटर चौड़ाई की सभी मौसम सड़कों के निर्माण की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा की ओर जाने वाली सड़क को चौड़ा करने की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाल ही के दिनों में सीमाओं पर सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं। यह अदालत सशस्त्र बलों की ढांचागत जरूरतों का दूसरा अनुमान नहीं लगा सकती है। तो ऐसे में अब चारधाम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है। तो ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरह से ये चारधाम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है, क्या किस तरह से मांग की गई थी जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड की ऑल वेदर जो परियोजना थी उसको लेकर ये पूरा मामला था और ये कहा जा रहा था कि सड़कों को जितना चौड़ा किया जाएगा उतना सड़कें ऑल वेदर बेहतर बनेंगी। और क्योंकि ये सड़कों का केवल चार धाम यात्रा मार्ग से ही मतलब नहीं था बल्कि उन बॉर्डर एरियाज को भी ये सड़क जोड़ती थी जो कि पिछले लंबे समय से हमारे लिए नुकसानदायक था, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि चाहे बद्रीनाथ हाईवे के लिए जो ऑल वेदर रोड्स बनाया गया था उसमें माणा क्षेत्र आता है जो कि आगे तिब्बत और चीन बॉर्डर को मोड़ता है, तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये जो ऑल वेदर सड़कें थी या फिर ये परियोजना थी चार धाम यात्रा की, तो इस परियोजना पे कहीं अड़चने लग रही थी। और ये कहा जा रहा था पर्यावरणविदों द्वारा कि जिस तरीके से लगातार पहाड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, इसका बड़ा खामियाजा पर्यावरण को होगा, स्थानीय लोगों को होगा, और क्योंकि आपदा जैसी स्थिति इसी वजह से पहाड़ों में बनती है, तो इस पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई थी। लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वो रोक हटाई है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा को देखते हुए ये परियोजना को फिर मंजूरी मिल गई है और जो सड़क चौड़ी करने का जो काम रोका गया था वो फिर से अब शुरू हो जाएगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि चाहे गंगोत्री क्षेत्र की बात की जाए, चाहे बद्रीनाथ धाम क्षेत्र की बात की जाए, दोनों ही क्षेत्र कहीं ना कहीं हमारे बॉर्डर्स को जोड़ते हैं, चाहे वो चीन बॉर्डर हो, तिब्बत बॉर्डर हो या फिर नेपाल बॉर्डर हो, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं
जो केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की थी ऑल वेदर रोड और चार धाम यात्रा में कनेक्टिविटी बेहतर बन पाए, ये भी इसका बड़ा प्रोजेक्ट था। इसको लेकर कहीं ना कहीं रोक लगी थी, जो अब एक बार फिर शुरू की तरफ से तो हरी झंडी दिखा दी गई है, लेकिन अब हाईवे की जो सड़कों की चौड़ाई होगी ये कब से शुरू की जाएगी? जी बिल्कुल, हाईवे की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर और बढ़ाई जाएगी, यानी कि कहा जा सकता है पहले 4 लेन थी वो 6 लेन हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं पहाड़ों में जो 6 लेन का मतलब है कि आप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत तेजी से उन क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं जहाँ काफी लंबा समय लगता था पहुंचने में। यानी कि अगर आर्मी के बड़े बड़े अगर कहा जाए तो मिसाइल्स हैं, वो बहुत तेजी से उन क्षेत्रों में पहुंच सकती है जहाँ लंबे समय से सड़कें होने के कारण वो चीजें नहीं पहुंच पाती थी। और क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी इस पर राहत दे दी है तो कहा सकता है कि जल्द से जल्द ऑल वेदर रोड का जो काम था रुका हुआ था बहुत तेजी से पूरा हो पाएगा। जी चलिए ठीक है सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में अब चार धाम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है, यानी कि अब जल्द ही सड़क और हाईवे की चौड़ाई जो है उसको बढ़ाया जा सकेगा। पहले से खस्ता हाल हो चुके आम लोगों को महंगाई से राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। आम लोगों को 24 घंटे के अंदर महंगाई ने डबल झटका दे दिया है। जी हां, खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई भी बढ़ गई है। खाने पीने की चीजों के दाम 5 महीने में सबसे ज्यादा हो गए हैं। थोक कीमतों पर आधारित नंबर में 1 साल के उच्चतम स्तर पर 14.23% पर पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा कारण खाने पीने की चीजों के दाम में आई तेजी है। आंकड़ों के अनुसार नवंबर महीने में खाने पीने की चीजों के दाम 5 महीने में सबसे ज्यादा रहे हैं। तो एक बार फिर से महंगाई का 24 घंटे में ये डबल झटका जनता को लगता हुआ दिख रहा है। और इससे आपको बता दें, महंगाई हुई इससे खाने पीने की चीजें भी महंगी हो चुकी हैं। तो यानी कि जहां एक तरफ घरेलू सामान महंगा हो रहा था, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, महंगाई अपने चरम पर थी, एक बार फिर से अब जनता को ये डबल झटका महंगाई का लगा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट के बीच अब नोएडा के नजदीक स्थित क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में 3 दिन में कोरोना के 7 केस मिले हैं। 7ों के 2 परिवारों के सदस्य हैं। आपको बता दें, दरअसल नोएडा के सर्वोत्तम इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा में छात्रा के संक्रमित होने पर अन्य 6 लोग छात्रा के संपर्क में आने के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तहत जाँच कराने पर संक्रमित पाए गए हैं। तो लगातार आपको बता दें कि कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है और छात्रा के संपर्क में आए 6 संक्रमित, जिससे छात्रों और स्टाफ से जांच कराने की अपील की गई है। अखिलेश यादव ने गंगा नदी के गंदा होने का दावा करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी ने गंगा नदी में डुबकी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो जानते हैं कि गंगा नदी गंदी है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने गंगा की सफाई पर करोड़ों खर्च किए हैं, लेकिन सीएम को पता है कि गंगा में गंदगी है। तो दरअसल आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के समय और ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उस पर विपक्ष की तरफ से लगातार इसी तरह से कटाक्ष किया जा रहा है, वार किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने से पहले उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी, जिसके बाद अब अखिलेश यादव ने ये सीएम योगी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पता है के गंगा नदी गंदी है, इसीलिए सीएम योगी ने डुबकी नहीं लगाई। देखिए मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए।
माँ डुबकी माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई? मेरठ गया था, हिंडन का पानी देखा है मैंने, पानी काला हो गया हिंडन नदी का, काली नदी पहले से काली है, यमुना का किनारा पूरा काला हो गया। तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर ये तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने, आपको बता दें, कहा है कि सीएम योगी जानते हैं गंगा नदी गंदी है, इसीलिए सीएम ने डुबकी नहीं लगाई है। तो लगातार इसी तरह का वार पलटवार अब देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी जहां विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ रही है तो विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी को घेरता नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है, जिस पर उन्होंने कहा है कि गंगा गंदी है, सीएम योगी ये जानते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इसीलिए डुबकी नहीं लगाई है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में अपने पांचवें दौरे पर काशीपुर पहुंचे। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड नव निर्माण में महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान होगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं पिछले 3-4 महीने में कई बार उत्तराखंड आया हूँ और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो एक गारंटी देकर जाता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि सालों से यहाँ दूसरी पार्टियों ने वादे किए और बाद में भूल गए। मैं जब गारंटी देकर जाता हूँ तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कार्ड लेकर घर घर देकर जाते हैं ताकि बाद में जब हम मुकरें तो जनता के पास हमारी गारंटी का सबूत रहे। प्रदेश के लोग आज महंगाई से परेशान हैं। बीते 21 सालों में महिलाओं को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों ने कोई काम नहीं किया। राज्य की महिलाएं आज भी पहाड़ सा जीवन जी रही हैं। वहीं केजरीवाल ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की हर महिला के खाते में हर महीने 1,000 रुपए भेजे जाएंगे। एक परिवार की हर महिला को अलग अलग 1,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता घर घर भी जाएंगे। तो ऐसे में आज आपको बता दें पांचवी बार उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल, जहां पर एक बार फिर से उन्होंने ऐसा वादा कर दिया जिस तरह के वादे वो पहले से करते आए थे। दरअसल आपको बता दें इस बार महिलाओं के लिए ये घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हर घर की महिला के लिए 18 साल या उससे ऊपर की हर महिला के लिए उन्होंने ये ऐलान किया है कि उन्हें हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। जिस घर में जितनी महिला होंगी उस हिसाब से 1,000 हर महिला को अलग अलग दिए जाएंगे। और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तराखंड में जनता के घर घर भी पहुंच रहे हैं। तो लगातार वादे जनता से करते हुए केजरीवाल नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता का क्या रुख है ये तो विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से मुफ्त चीजें बांट रही है, मुफ्त खोरी की राजनीति कर रही है, उससे जनता कितनी खुश है या नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरह से केजरीवाल अब तक मुफ्त चीजें जनता को देते आए, एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया है कि महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये वो देंगे। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की जो घोषणा थी वो सबके सामने आ चुकी है और अब वो महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड में। और जिस तरीके से काशीपुर में महिलाओं के साथ उन्होंने संवाद किया, उसमें उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए 1,000 रुपये प्रति माह उनको सशक्त करने के लिए धनराशि देने की बात की है। यानी कि कहा जा सकता है कि अब पहले उन्होंने फ्री बिजली देने की बात की, उनके बाद उन्होंने जो बेरोजगार युवा है उनको भत्ता देने की बात करी ताकि वो मजबूत हों, और उसके बाद ऑटो संचालक और टैक्सी ड्राइवरों से उन्होंने हरिद्वार जनपद में बात की और कहा कि एक आप मजबूत कड़ी है किसी भी सरकार को बनाने और गिराने में। तो कहा जा सकता है अब महिलाओं को साधते हुए वो नजर आ रहे हैं और चुनाव आते आते और कितनी ही बड़ी घोषणाएं वो प्रदेश के लिए करते हैं ये तो अभी कहना साफ नहीं होगा, लेकिन इतना साफ है कि अरविंद केजरीवाल जब भी प्रदेश में आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, कोई ना कोई घोषणा करके जा रहे हैं, लेकिन यदि उनकी सरकार या उनको कोई विधायक मंत्री चुनकर आते हैं तो कहा जा सकता है कि वो उन योजनाओं को कैसा पूरा करेंगे ये
ये कहना अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि जब भी वो आते हैं बड़ी घोषणाएं उत्तराखंड में करके जरूर जाते हैं। जी बिल्कुल सुभाष, लेकिन देखिए अगर इस बार जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सबसे ज्यादा जो नजरें टिकी हुई हैं वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पर हैं। तो देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां भी कांग्रेस महिलाओं को साधने की कुछ इसी तरह से कोशिश कर रही है और वही दावा केजरीवाल उत्तराखंड में चलते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये महिला कार्ड खेलकर केजरीवाल अपनी नैया पार लगा पाएंगे? बिल्कुल नैया पार लगे या ना लगे वो तो कहना भी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल महिलाओं को साधने की कोशिश उत्तराखंड में कर रहे हैं, लेकिन बड़ी चीज ये है कि केवल मैदानी क्षेत्रों में वो अपने भ्रमण कार्यक्रम करते हैं और जो बड़ी घोषणाएं हैं वो खास तौर से उन मैदानी क्षेत्रों के लिए करते हैं जहाँ पहाड़ जैसी दुर्गम स्थितियां नहीं है, जहाँ पहाड़ जैसी स्थितियां अभी तक नहीं है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल का जो ये महिला साधने का प्रोजेक्ट है ये कितना ठीक रहता है ये तो चुनाव में ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तराखंड में घोषणाएं करने पहुंच रहे हैं और अभी तक जो घोषणाओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहले वो दिल्ली के तर्ज पर फ्री बिजली उत्तराखंड में देने के लिए घोषणा करके चले गए हैं। उसके बाद बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए उन्होंने 5,000 रुपए भत्ता देने की बात की। उसके बाद ऑटो चालकों को साधते हुए हरिद्वार में नजर आए और अब काशीपुर में महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात वो कह रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि घोषणा पुरुष अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के लिए अभी तक साबित हुए हैं। जी बिल्कुल सुभाष, और देखिए लगातार जिस तरह से आप भी ये बता रहे हैं बार बार के मैदानी इलाकों पर ज्यादा फोकस अरविंद केजरीवाल का है और अभी तक जितने भी उन्होंने दौरे करे, आज 5वां दौरा था उत्तराखंड का, तो सारे के सारे मैदानी इलाकों में ही उनके दौरे रहे हैं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं वो तो पहाड़ी इलाकों से निकल कर आते हैं जहाँ पर स्कूल की सुविधाएं नहीं है, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वहाँ के मुद्दे वो छोड़ रहे हैं और मैदानी इलाकों में लोगों को साध रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि पहाड़ों में भी वो पहुंचेंगे क्योंकि उनके जो सीएम चेहरे हैं कर्नल अजय कोठियाल वो गंगोत्री उस दुर्गम क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे जहां से जो भी विधायक चुनकर आता है उसकी प्रदेश में सरकार बनती है, लेकिन अभी तक वो उस क्षेत्र में नहीं पहुंचे। वो पिथौरागढ़ जैसे दूर दराज के क्षेत्र में नहीं पहुंचे, वो गढ़वाल मंडल के चमोली माणा जैसे क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं, और ये कहा जा सकता है कि उनके जो भ्रमण कार्यक्रम है, उनके जो भी दौरे उत्तराखंड में लग रहे हैं वो केवल हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर के जनपदों में लग रहे हैं और वहीं वो घोषणा करके वापस दिल्ली चले जा रहे हैं। लेकिन कुल इसका कितना फायदा पहाड़ के उन लोगों को मिलता है या जो अरविंद केजरीवाल घोषणा करके जा रहे हैं, कितना उन घोषणाओं का लाभ उन पहाड़ की महिलाओं तक पहुंचता है जब उनकी सरकार बनती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना साफ है कि अभी जो घोषणाएं वो कर रहे हैं चुनावी घोषणाएं हैं, चुनाव के बाद जो नतीजे हैं वो साफ कर देंगे कि अरविंद केजरीवाल की इन घोषणाओं का कुछ फायदा उत्तराखंड की जनता को हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन तब तक के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 2022 के विधानसभा चुनाव का। जी चलिए ठीक है सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल का 5वां दौरा था उत्तराखंड में, जहां पर एक बार फिर से उन्होंने एक और बड़ी घोषणा की है। हालांकि ये घोषणा इस बार महिलाओं के लिए है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि महिलाओं को हर महीने सरकार बनने पर 1,000 रुपये दिए जाएंगे। दिनेशपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते 22 साल की मीना मंडल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वही मृतका के पति ने बताया कि वो फोटोग्राफी का काम करता था, जब वो अपना काम खत्म करके घर लौटा तो कमरे का दरवाजा बंद था, जिसके बाद मृतका के पति ने घर की खिड़की तोड़कर देखा कि महिला का शव फांसी पर लटका हुआ था। आपको बता दें कि महिला की 8 साल की मासूम बच्ची भी है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये दिनेशपुर की घटना है जिसमें जो है एक महिला की मौत हुई है जिसकी शादी को अभी 2 साल तक हुई है और जिसमें जो है पुलिस यहाँ पर शिव साहब और कोतवाल दिनेशपुर पक्ष ने उनके पंचायतनामे की जो है कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तो प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि उनके जो फांसी कर आत्महत्या की हुई है, बाकी इसकी जो है निष्पक्ष जाँच के लिए जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद ही उसके बाद काम पता चल पाएगा।
दौरे का दूसरा दिन है जहां पर लगातार सुबह से ही कार्यक्रम चल रहे हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वेद्र महामंदिर पहुंच चुके हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। इस वक्त स्वर लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। सर्वेद्र मंदिर में सभी पहुंचे हुए हैं। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी, बड़ी बैठक ही मानी जा रही थी। और अब से कुछ ही देर बाद इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों को संबोधित भी करेंगे। एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है जहां पर पहले से ही लाखों की संख्या में काशीवासी और आसपास के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। यानी कि एक बड़ा संदेश देने की आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करेंगे। साथ ही तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, सर्वेद्र महामंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। साथ उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ऐसे में 2 दिवसीय ये दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का, जहाँ पर कल काशी कॉरिडोर का उन्होंने उद्घाटन किया और उससे पहले गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई, तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उसके साथ रात को समय में आरती में वो शामिल हुए, जिसके बाद देर रात उन्हें काशी की सड़कों पर भी और रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचकर जायजा लेते हुए देखा गया। तो एक बार फिर से आज पूरी तरह से काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और काशी वासियों को लगातार एक विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब काशी बदल गया है। जो काशी अब से कुछ साल पहले नजर आता था तस्वीरों में, आज तस्वीरें उससे बिल्कुल उलट और अच्छी और बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।